नमस्कार, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। कोरोना महामारी ने बढ़ाया संकट। हैदराबाद में 8 शेरों के संक्रमित होने से छतबीर जू। जीर कपूर में हाई अलर्ट जारी, 31 मई तक बंद रहेगा। जलंधर में कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश, पंजाब में कर्फ्यू जैसी सख्ती के आदेश। डीजीपी ने कहा 80-90% लोग घरों के अंदर रहें, सिर्फ इमरजेंसी में ही बाहर निकले। सिद्धू की रिपोर्ट, पार्टी रावत को भेजेगी रपट। जाखड़ बोले हाईकमान के आदेश पर ही होगी कार्रवाई। पूर्व यूथ कांग्रेस प्रधान रिंकू सेठ फिर चर्चा में, खुद को एसएसपी का भाई बताने वाले पर मारपीट का आरोप। जलंधर के एसीपी के गैंगमैनों ने भी दिया साथ। सूबे में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई जान न जाए, होम डिलीवरी पर भी करे विचार। पटियाला में बाबा 12 दिन बनाता रहा झूठी कहानी। घर में दबे सोने पर बैठा तुम्हारा सांप, तुम्हारे बेटी की बलि मांग रहा है, उपाय करने होंगे। झांसे में लेकर ठग लिए 12 लाख रुपए। मोगा में बड़ा हादसा, 80 साल पुराने मकान की छत ढहने से मां बेटी की मौत। आधे घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम में निकाले शव। मुकेरिया में किसान का आक्रोश बना हुआ है। एफसीआई ने नौशहरा पतन में कोटा पूरा बता, बंद की गेहूं की खरीद। किसान बोले अभी 8000 बोरी गेहूं पड़ा हुआ है। रोपड़ में चौथे दिन राहत की दो खबरें, कोरोना से कोई मौत नहीं, 71 नए केस मिले, 113 ठीक हुए। दो दिन में वैक्सीन की कमी के बाद 4000 डोज मिले, आज से फिर होगा टीकाकरण। नेताजी को ठगने की कोशिश, प्रशांत किशोर बनकर कांग्रेस हल्का इंचार्ज को चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर मांगे 7 लाख रुपए। पंजाब से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे टुडे 24 न्यूज़।